चेतन महेंद्र प्रोडक्टर अकोला से, अकोला महाराष्ट्र से, और जो ब्रांड है उसका नाम है प्रोडक्टर नेचुरल आइसक्रीम। जो हम दोनों भाई हैं, ये बड़े हैं मैं छोटा हूँ, हम दोनों मिलके ही ये स्टार्टअप किया था। और बेसिकली ये आइडिया तो इनके दिमाग में आया था, और जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें पता नहीं था कि हम कहाँ तक जाएंगे। बट जो बोलते हैं ना, गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं, ये जो बिजनेस है आइसक्रीम इंडस्ट्री के बीच में, मतलब बचपन से या फिर घर में ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं है, पर जैसे जैसे हम बढ़ते गए और बढ़ाते गए, बट यहाँ आके ये पता चला कि हम बढ़ रहे थे पर आगे और कितना बढ़ना है, ये यहाँ आके हम कन्फर्म हो गए, और हमारा प्रोडक्ट जो है वो और कितना बेटर हो सकता है ये यहाँ पे आके हम समझ सकें। और जैसे ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट में क्या क्या ड्रॉबैक्स है, जो भी है, जो 20 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार्टअप कर रहे हैं, तो सबके लिए मैं एक कॉमन चीज़ बोलूँगा कि हम सब कुछ करते हैं बट ड्रॉबैक्स क्या रहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें रहती है। जैसे सर ने बोला कि एक टेम्परेचर रहता है, जैसे एक डायग्राम निकाल के दिखाई देगी, इसी टेम्परेचर पर ये चीज़ डालनी है ना। कभी कभी क्या होता है, हम कॉमन टेम्परेचर पर सब चीज़ डाल देते हैं, तो एक स्पेसिफिक वे है जो बनाने का है, उससे भी टेस्ट थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, तो यहाँ आके वो समझ में आए। और सर बाकी यहाँ के जो फैमिलियर एटमोसफियर है वो बहुत बढ़िया है, और अलग ऐसा कुछ बोलना नहीं है क्योंकि भैया ने सब बोल दिया है। बट जैसे और एक मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरे इंडिया के जो भी मैन्युफैक्चरर है एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं, और यहाँ से एक फैमिली आइसक्रीम की फैमिली बन गई है, आइसक्रीम मैन्युफैक्चर की फैमिली बन गई है। जो भी इम्प्रूव होगा तो हम सब मिल बांट के इम्प्रूव करेंगे और मिल बांट के बढ़ेंगे, मतलब जो बोलते ना जैसे सब लोग बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे, जैसे इंडिया भी बढ़ेगा, है ना। तो एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी यहाँ पे कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सब लोग मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। जैसे बाकी सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर जैसे एक लेबोरेटरी का जो कंसेप्ट था वो हमें इतना डीपली नहीं पता था, और उससे और एक फ़ायदा ऐसा होगा कि जैसे पीएच लेवल सर ने बोला है तो उससे एक लॉसेस कम होंगे, है ना। अगर पीएच हम पहले चेक कर लेते हैं तो प्रोडक्ट ख़राब होने का चांसेस ही नहीं है, या फिर बनाने के बाद फेंकने का चांसेस नहीं है, तो एक चीज़ बहुत बढ़िया है। एक और लेबोरेटरी का एक वो कंसेप्ट अच्छा ब्रांड और आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है। और सेकंड एक चीज़ है कैलकुलेशन, जो हम फार्मूले थे हमारे पास जो फार्मूला है वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से कैसे बैठा है, कि यहाँ पे आप बहुत बढ़िया सीख सकते हो, और कैलकुलेशन संदीप सर बहुत बढ़िया सिखाते भी हैं। और सबसे मेन बात, संदीप सर इरिटेट नहीं होते, इसी बार हम पूछते फिर भी। सब कन्फ्यूजन छोड़ दो, जैसे सर भैया ने बोला था कि आप अगर डाउट है तो यहाँ से जो सीखते हैं वहाँ से आप टेस्ट करके उनसे रेफरेंस लेके आप ले सकते हो। बट सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा कि इतना सोचो मत, जो 4 साल का 10 साल का नॉलेज है आपको अगर 3 दिन में मिल रहा है तो इतना क्यों सोच रहे हो,